आरएम ने दी करारी हार, एम योगे इस बार आईपीएल से बाहर। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया? तो गाइस मेरा नाम है नमन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई कल का मैच आरआर वर्सेस एमआई का, भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंस करी है भाई एमआई वालों ने, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं भाई, इतनी गंदी परफॉर्मेंस भाई। हार्दिक भाई यार ऐसी कैप्टनसी करूंगा तो कैसे जाऊंगी वर्ल्ड कप में भाई। भाई यार कल इन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस करी भाई, जहाँ 200 प्लस बनता टारगेट, वहाँ पे 177 का टारगेट ही बना बस। यार एमआई की तरफ से बस तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग करी, बाकी किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं करी यार, सबने ऐसी गंदी बैटिंग करी है ना भाई एमआई वालों को, भाई क्या ही हो रहा भाई अंदर ही अंदर, भाई पूरे की पूरी टीम खराब होती जा रही है भाई। जहाँ पे एमआई की टीम इतनी कोशिश कर रही थी रन बनाने के लिए भाई, जहाँ पे हार्दिक भाई को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था यार, उन्हें ऊपर आना चाहिए थोड़ी बैटिंग करने, पर भाई वो कल नहीं आए ऊपर बैटिंग करने, वो सातवें नंबर पर बैटिंग करना है भाई। यार सातवें नंबर बैटिंग करने के बाद भी उन्हें फिनिशर का रोल निभाना चाहिए था, पर भाई उन्होंने 10 पे 10 रन बनाए यार, ऐसा कैसे चलेगा यार, इतनी गंदी बैटिंग कैसे कर सकता है भाई हार्दिक भाई। आपको वर्ल्ड कप में भी जाना है, ऐसी बैटिंग से आप वर्ल्ड कप में जाओगे यार, क्या ही कर पाओगे आप भाई। एमआई की टीम को कल सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था कैप्टन का भाई, क्योंकि कैप्टन चाहता तो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता, और भाई ऑडियंस भी अच्छी खासी एंटरटेन होती है, मज़ा भी आता उनको भी। पूरी एमआई की टीम हार्दिक भाई से पूरी तरीके से नाराज है भाई, पूरी तरीके से, ऐसा लगता ही नहीं भाई कोई एफर्ट भी कर रहा होगा भाई। एमआई की टीम को साफ साफ देख कैसे लगता है भाई, पूरी टीम अलग हो चुकी है भाई, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा बंदा भाई, इनकी टीम के अंदर ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो भाई चलो बैटिंग में तो एमआई ज़्यादा खास नहीं कर पाई, लेकिन बॉलिंग में तो इन्हें खास करना चाहिए था भाई, टारगेट कम था 177 का ही था, पर इन्हें बॉलिंग में अपना 100% एफर्ट देना चाहिए था भाई। जहाँ पे सारे के सारे बॉलर पिट रहे थे ना, वह बुमराह भी करने लग गए, या चलो मैं भी पिट जाता भाई, सब पिट रहे थे, मैं भी पिट तो कहीं जाता है। तो भाई चलो बात करते हैं आरआर के बारे में भाई, कल क्या बैटिंग करी है भाई जायसवाल ने, भाई 100% दिया भाई टी20 वर्ल्ड कप के लिए, भाई टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें भी तो अपने 100% देना ही है ना, तो उन्होंने कल अपने 100% दिया भाई। जब साफ साफ लग रहा था भाई कुछ देर पहले, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो में, कुछ देर पहले कैसे बात चल रही थी दोनों के बीच में, रोहित भाई और जायसवाल के बीच में, भाई कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ हुई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इस फोटो को साइड में करते हैं भाई, चलो बात करते हैं भाई, जायसवाल ने कल 100 मारी है भाई, भाई उनका पहला शतक आया 2024 में भाई, मस्त तरीके से अपने 100% दे रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए भाई। जहाँ पे आरआर याला मैच बहुत आराम से जीती भाई, एक विकेट के नुकसान से भाई बहुत आराम से मैच जीती भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई एमआई की टीम कोई एफर्ट भी कर रही होगी। तो भाई आज का मैच है एलएसजी वर्सेस सीएसके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन जीतेगा, एलएसजी या सीएसके। भाई मुझे को लगता है सीएसके जीत सकते हैं, क्योंकि उनके होम ग्राउंड के अंदर मैच है। तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन जीतेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।